105 110 तक पहुंच गया है मेरा गाड़ी। ये और तो और भी जबरदस्त है यार। क्या बोल रहे, भूख लग रहा है? तो गाइस आज मैं फिर से रेडी हूँ एक नई राइड के लिए, और ये राइड मैं करने वाला हूँ अखिलेश भैया के साथ, जिनके साथ मैंने लवासा राइड किया था। तो वो अभी खारघर में वेट कर रहे हैं, तो अभी मैं जल्दी से जाता हूँ। और मैंने बोला था 6:30 बजे पहुँच जाऊँगा, एंड 6:30 मेरे यहीं पर लग गया, बट यहाँ से 15-20 मिनट लगेगा मुझे पहुँचने के लिए। तो ये है हमारी बजाज एवेंजर 160 स्ट्रीट। जल्दी से स्टॉप बॉक्स लगाते हैं, निकलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज मैं जा रहा हूँ फिर से एक नई राइड पे, जो कि होने वाली है जवाहर की। जवाहर जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है महाराष्ट्र के, एंड मेरे घर से अराउंड 158-160 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, एंड काफ़ी अंडररेटेड जगह है ये। बट मैंने जब इसका सर्च किया तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। वाह, मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रखा है, आज बारिश नहीं हुई है। हालाँकि बादल तो है बट बारिश नहीं हो रही है। आई होप कि ज़्यादा बारिश ना हो ताकि ये राइड हम अच्छे से कर सकें। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं खारघर, एंड ये खारघर का सिग्नल है। दिस इज़ 3 Monkey Point। तो खारघर का एक फेमस पॉइंट है, उसके पीछे लिटिल वर्ल्ड मॉल है। यहाँ पर भैया ने बोला था मिलेंगे, बट अभी तक दिख नहीं रहे हैं। एक वसई वाला सा है, एक दूसरा यहाँ से भिवंडी वाला सा है। वसई वाले से चलते आते सर, भिवंडी जाते अपना घोटबंदर से? नहीं नहीं नहीं, यहाँ से अपने को मानपुर जो होते हैं, मानपुर चेंबूर से लेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, मतलब बैंड्रा से होके जाना जो बोल रहे हो। एक बार अपन बैंड्रा पहुंच गए ना अपन। हाँ हाँ, खाली है फिर। ओके, तो गाइस अखिलेश भैया आ गए अपने हिमालयन के साथ। पहले प्लान था कि हम थाने से होके जाएं, बट अभी बोल रहे हैं कि हम लोग वसई से होके जाएंगे, क्योंकि थाने वाला रूट थोड़ा सा अभी जाम मिल जाएगा हमको। तो अभी जो हम लोग जाएंगे वो हम लोग वाशी होके जाएंगे, और मैंने ग्लव्स पहनना ही भूल गया। तो ठीक है, आगे सिग्नल में कहीं रुकेंगे तो पहनता हूँ मैं। तो गाइस टाइम हो चुका है 7:45, 7:45 बज चुके हैं, एंड अच्छी बात यह है कि ये रूट में मुझे टाइम कम दिखा रहा है। हालांकि डिस्टेंस 30 किलोमीटर बढ़ गया है, बट टाइम दिखा रहा है 3 आवर 10 मिनट का। मोबाइल निकल गया यार मेरा। एंड सामने है वासी टोल प्लाजा, एंड ये क्रॉस करते हैं एक समुद्र का क्रीक मिलेगा, एंड उसके बाद से हम लोग का मानकूर चालू हो जाएगा। दैट इज़ द एंड ऑफ द नई मुंबई, एंड हम लोग एंट्री कर देंगे मुंबई में। इस तरफ मानकूर स्टेशन है, अभी थाने वाला रूट ही बता रहा है, बट हम लोग को जाना है बैंड्रा वाला रूट से। आपको रास्ता मालूम है ना, तो आप आगे चलते रहो, मैं पीछे जाता रहता हूँ। राइट साइड में थाने जाने का रास्ता है, एंड अगर आपको लोकमान तिलक टर्मिनस स्टेशन जाना है तो ये रास्ता पकड़ना पड़ेगा आपको, एंड आगे से फ्लाई ओवर के नीचे से, यही जो फ्लाई ओवर हम लोग जा रहे हैं वही फ्लाई ओवर के नीचे से राइट टर्न मारना पड़ेगा। फर्स्ट ट्रैफिक मिल गया हमको, एंड हिमालय से ही चल रही है यार। भैया बिना एफर्ट के चला रहे हैं, मेरे लग रहा है ऐसा लगता है। तो मुझे भी अपडेट करनी है बाइक, आई डोंट नो कब हो पाएगा ये। तो 2-3 बाइक तो होनी चाहिए, एक एडवेंचर बाइक, एक स्पोर्ट्स बाइक, एंड एक क्रूजर बाइक। और हम लोग ये ट्रैफिक को कट करते हुए निकल रहे हैं आगे से, बाइक का पूरा अपना फ़ायदा उठाते हुए। थैंक यू। ओहो हो हो, तो आई थिंक हम लोग बैंड्रा पहुंच चुके हैं, एंड अपना ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे चालू हो गया। तो गाइस यहाँ पर हम लोग थोड़ा रुके हैं, पाली विलेज खाने के लिए रुके, हम लोग रेनकोट लगाने के रुके हैं, बिकॉज बारिश थोड़ा सा चालू हो गया। तो टाइम हो चुका है 8:57, 9:00 होने वाला है, एंड हमको निकले अराउंड 1:45 ही हुआ है, बट अभी भी यहाँ पर 2 घंटा टाइम दिखा रहा है, तो मतलब 4 घंटा पकड़ ही लो आप पूरा। वाह, क्या बना दिया है ये यार वैसे क्रिक को, बट नया नया बनाया, और ये रोड देखो क्या हालत हो गई है। तो
भिवंडी 23 किलोमीटर, मनोर 46 किलोमीटर। क्या बोल रहे, भूख लग रहा है? आगे एक रेस्टोरेंट है अच्छा वाला। गुजरात का मुझे एक राइड करना है, पता नहीं कब होगा, थोड़ा सा शेड्यूल टाइट है मेरा। क्या हो गया, इतना ट्रैफिक क्यों लगा हुआ टूर में? ये और तो और भी जबरदस्त है यार। एंड गाइस, मैं 90 क्रॉस कर दिया है, देखते हैं 100 होता है कि नहीं होता है। और 100 क्रॉस हो चुका है, 105, 110 तक पहुंच गया है मेरा गाड़ी। ओहो, पूरा कवर किया हुआ रास्ता। श्री दत्त स्नैक्स। तो गाइस, हम लोग नाश्ते के लिए फाइनली रुक गए हैं और रुके हैं श्री दत्त स्नैक्स में। उधर लास्ट में दिख रहा है। ओह गॉड। तो गाइस, हम लोग नाश्ते के लिए बैठे हैं एंड मैंने लिया इडली वड़ा एंड भैया का मिसल पाव खत्म भी हो गया। मैं लेट हो गया। तो गाइस, इधर हमारी बाइक खड़ी है, ये है भैया की हिमालयन, मेरी बजाज एवेंजर 160 स्पीड। एंड मज़ा आ गया, एक बार मैं 110 तक पहुंचा दिया था उसको, सही लगा, मज़ा आ गया। और एक बार में दो तीन बार मैंने एक्चुअली 100 क्रॉस कर दिया इसमें आज। काफ़ी सही रूट है, तो मस्त परफॉर्म कर रही है। थोड़ा कीचड़ की वजह से गंदी हो गई है, बट चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं, आई डोंट नो कहाँ पहुंच चुके हैं, बट ये जो है मेरे पीछे, इसका नाम है श्री दत्त, जहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता किया। एंड अभी हम यहाँ से निकलेंगे एंड अराउंड हम लोगों ने 100 किलोमीटर कवर कर लिया है एंड अभी यहाँ 54 किलोमीटर और दिखा रहा है। भैया कैसा लग रहा है? बहुत दिन बाद चला है। ओके, और अकेले जो है बेसिकली अकेले ही निकल जाते हैं, सोलो राइड लद्दाख वद्दाख चले जाते हैं, चारधाम यात्रा अकेले करके आते लास्ट ईयर। और अभी मैं एक खाली सेकंड राइड कर रहा हूँ बेघर, लास्ट राइड मैंने किया था लवासा, जो कि काफ़ी मज़ेदार रहा। एंड वो डफर्ट लेसी चलाते हैं भैया, मज़ा करते हैं, एकदम पूरा इन्जॉय करते हैं, वीडियो भी नहीं निकालते हैं। तो सोच रहे कि आप पूरा का पूरा इन्जॉय करते हैं और हम लोग तो वीडियो के चक्कर में थोड़ा इन्जॉय करना भूल जाते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं हम लोग साई विलास पैलेस, जो कि जवाहर के किंग का पैलेस है, वहाँ पर रहते थे हम लोग पहले टाइम पे। तो पहले वहाँ पर जाएंगे, उसके बाद एक हनुमान पॉइंट है। हनुमान पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ पर लोग बोलते हैं कि हनुमान जब श्री राम के भाई भरत जी से मिलने गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने थोड़ा देर रेस्ट किया था। तो वो पॉइंट है, उसके बाद सनसेट पॉइंट रहेगा एक, एंड देन उसके बाद एक सिरपामल एक जगह है जहाँ पर एक हिस्टोरिक इवेंट हुआ था, शिवाजी महाराज और जवाहर के किंग का। तो वहाँ पर जाएंगे एंड उसके बाद एक हिरदापाड़ा करके एक वाटरफॉल है, वहाँ पर जाने का प्लान है। लेट्स सी कितना होता है, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं हम लोग। एंड बट जो मौसम है काफ़ी अच्छा हो रखा है चारों तरफ, एंड बारिश भी बंद हो रखी है, बट बादल हो रखा है एंड गर्मी नहीं हो रही, अच्छा हो रहा है। तो थोड़ी देर बाद हम लोग बाइक में मिलते हैं आपको। सो गाइस, श्री दत्त स्नैक्स में हम लोगों ने नाश्ता कर लिया एंड अभी निकल रहे हैं हम लोग जय विलास पैलेस। वाओ गाइस, ये देखो, ओह शिट, कहाँ से गया ये? वॉच टावर जैसा बना रखा है ऊपर, बंद किया हुआ है।